subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. सिस्टर सिस्टर देखे हमारी फैक्स आई है। ओहो भाई साहेब है मशीन लगाइए फैक्स तो आएगी। ये तो कोई साबुन बनाने की तरकीब है। दुनिया का सबसे बेहतरीन साबुन ब्यूटी सोप। लेकिन ये किसी ने यहाँ क्यों भिजवा दी? ये फैक्स रॉन्ग नंबर भी हो सकती है। हो सकता है पाकिस्तान में किसी ने फ्रेंचाइज ली हो इस साबुन की और उसे ये फैक्स भिजवाई हो। इसे होता क्या है वैसे? फेयर ग्लो साबुन, ये अमेरिका का साबुन है। इससे रंग गोरा और गुलाबी हो जाता है। मैं जाके डॉक्टर फरहाना को बताती हूँ। एक घंटा पहले बुलाया था और अब मैं भूल गया कि मैंने आपको क्यों बुलाया था। सर यही तो आपका मसला है सर। आप खुद मोटे और आपकी अकल जो है ना वो छोटी है। आपको अक्सर जो है ना वो बातें भूल जाती हैं और फिर बाद में आप हम बेचारे गरीब एम्प्लॉइज पे गुस्सा निकालते हैं। सर मिश्रा इज्जत से बात करें, मैं आपका बॉस हूँ। तो मैंने कब कहा कि आप चपरासी हैं? मैं शर्मीन में आपको नौकरी से निकाल दूंगा। सॉरी सर मुझे वो बात याद आ गई जिसके लिए मैंने आपको बुलाया था। सर देखा सर, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आपको मुझको डबल तनख्वाह देनी चाहिए। देखा आपने कैसे आपको गुस्सा दिलाया और फिर आपको फौरन बात याद आ गई। मुझे पता है कि जब आपको गुस्सा आता ना तो पुरानी बातें आपके दिमाग में जागना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के गुस्सा दिलाया। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन डबल तनख्वाह वाली बात ठीक नहीं। खैर सर आपने मुझे किस चीज के लिए ज़हमत दी थी? हाँ वो दरअसल हमारी बेगम काफी अरसे से बाहर तफरी के लिए नहीं गई है। तो सर आपने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि आपने मुझसे चिड़ियाघर का रास्ता पूछना है? नहीं, मैं तो उन्हें आपके घर लाना चाह रहा था। एक ही बात है सर, चिड़ियाघर। क्या सर? सर आप मेरे घर को चिड़ियाघर कह रहे हैं? सर ये समझ रहे हैं कि मेरा घर चिड़ियाघर है? क्या कह रहे हैं आप सर? शर्मीन मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, जो भी कह रही है आप कह रही है। सर खुद ही तो आप कह रहे हैं कि आपकी बीवी तफरी करना चाहती है इसलिए आप उनको हमारे घर लेकर आना चाह रहे हैं। सर आपने मेरे घर को प्लेग्राउंड समझा हुआ है जहाँ पे झूले लगे हुए होते हैं या सर जिसके बाहर वो आइसक्रीम और दही भल्लों की रेड़ियाँ लगी हुई होती हैं? सर आप गलत फहमी हो रही है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं दरअसल उन्हें आपके घर लाना चाह रहा हूँ, आपसे मिलवाना चाह रहा हूँ, उनकी गलत फहमी को दूर करना चाह रहा हूँ। सर यही गलत फहमी कि हमारा घर चिड़ियाघर नहीं है, है ना सर? ऐसी कोई बात नहीं है। वो समझती हैं कि हमारा चक्कर है। आपको और आपकी बीवी का चक्कर है सर? है नहीं भाई, असल में वो समझती हैं कि हम दोनों का चक्कर है। हाँ? क्या सर? अरे सुग्रा तुमने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? ये देखो क्या है इसमें। देखो अरे हमारे मोहल्ले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है और तुम देख लो कि मैं अव्वल आऊंगी। अरे अकेली खड़ी होगी तो जरूर अव्वल आओगी, लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि इस मोहल्ले में और भी बहुत सी खूबसूरत औरतें हैं। हाँ मैंने तो आज तक एक भी नहीं देखी। मैं भी तो रहती हूँ इसी मोहल्ले में। अरे तुम भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में खड़ी होगी? क्यों मैं क्या लंगड़ी हूँ जो बैठ के मुकाबला लड़ूंगी? अरे नहीं सुगरा ये बात नहीं है, तुम दरअसल मेरी बात का मतलब नहीं समझी। देखो ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है ना मुकाबला हुस्न, इसमें जरा कम उम्र की लड़कियाँ और बहुत हसीन और जिनके नैन नक्श बहुत तीखे हो ना वो हिस्सा लेती हैं। तो खूबसूरत नैन नक्श, अरे तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता कि मुँह शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ होता है। सुगरा देखो कितना तवाजन है मेरे चेहरे में, ये देखो ये तो एक डेफिनेट डिमार्केशन है। ये देखो ये है मेरा माथा, ये मेरी कजरारे नैन और ये मेरा सुतवा नाक और ये मेरी शर्मती। खैर सुम्बल अगर कोई नाबीना हो ना हाँ। वो तो तुम्हारी बात मान लेगा और कोई नहीं। खैर छोड़ो बातों को, मुझे दरअसल बड़ी जल्दी है, मैंने जाना है बिल जमा कराने के लिए, तो सॉरी तुम जाओ। सुम्बल तुम किस कदर बेमुरव्वत हो, वैसे बाय द वे मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बातें करके उसे वेस्ट करूँ। गुड बाय। ओ, इसमें क्या क्या डाला है इस मुरक्कब पे, तुमने क्या क्या मिलाया है?
हाँ बिल्कुल मुश्किल चीजें थी, सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ना इसमें 2-3 कतरे तेजाब के भी डाले। क्या तुमने इसके अंदर तेजाब मिला दिए मुंह धोने वाले साबुन में? हाँ डजंट मैटर, 2 कतरों से कुछ नहीं होता, और तेजाब तो मैल काटता है ना, होना चाहिए साबुन में। वेरी क्रिएटिव, और क्या क्या मिलाया तुमने इसमें? इसमें मैंने ना इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े वाले जो है ना वो वॉशिंग पाउडर के भी मिला दिए। ओह माय गॉड, यानी कि डबल एक्शन। अच्छा मुझे बताओ कि इसके अंदर अभी और क्या क्या मिला? इसमें ना लास्ट इंग्रेडिएंट लिखा है ये कि इसमें कार्बन मिलाना है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि कार्बन मैं कहाँ से लेकर आऊँ, है ना? हाँ कार्बन गाड़ी का जो धुआं होता है उसके अंदर होता है। अच्छा मैं लेकर आऊँ। कार्बन होता है डायमंड में, कार्बन होता है किस चीज़ में, कार्बन होता है और कार्बन होता है कार्बन पेपर, कार्बन पेपर में कार्बन होता है। माय गॉड फरहाना, डाल दो डाल दो डाल दो, आधा फाड़ के डाल दो, आधा आधा डाल के आधा पूरा डाल, डालो 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 ना, छोटे वाला बड़े वाला डाल दो बस। लवली, माय गॉड फरहाना, तुम तो फुल से बनना शुरू हो गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, साबुन ना इतने ज्यादा उसमें बुलबुले होते हैं उतना अच्छा दिखता है। हाँ मैं देखती हूँ। नहीं वो होंगी कौन रहती है हमारे साथ, सुक्रांति, सुक्रांति होंगी हमारे साथ। बोल रहे हो मैं मैं बैठ के साफ करती हूँ, तुम जाके उनको बातों में लगाओ, बातों में लगाओ, बातों में लगाओ, बातों में लगाओ, बातों में लगाओ। ओके आर यू कमिंग? अरे यार, शुक्र है आज सुगरा के अलावा भी कोई और चेहरा देखने को मिला। हाँ सुमन आंटी, आपको क्या सुगरा आंटी चारों तरफ नजर आती हैं? भाई सुबह आई थी तब भी उसकी शक्ल देखी, और रात को आई थी कल तो तब भी उसकी शक्ल देखी। तो जाहिर बात है आंटी ये उनका घर है। ए लड़की, आंटी किसको बोल रही है तू? आपके अलावा भी बाहर कोई आया? नहीं तो मैं ही हूँ। तो फिर आपको ही आंटी बोलूंगी ना? अरे मोहल्ले वाले तो मुझे ब्यूटी क्वीन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और तुम मुझे आंटी बनाए जा रही हो। आंटी ब्यूटी क्वीन क्यों नहीं हो सकती? किस तरह? देखें 20 साल के बाद ऐश्वर्या राय को लोग क्या कहेंगे? आंटी। एग्जैक्टली, अब देखे ना वो ब्यूटी क्वीन भी है, वो तो मिस वर्ल्ड भी है। हाँ अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि साबुन है तुम्हारे घर में? साबुन? अरे हर वक्त मेरे घर की तरह भागती हो तुम लोग, कभी चाय नहीं है, दूध नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, साबुन नहीं है, शैम्पू नहीं है, और आज मेरे घर में साबुन खत्म हो गया तो इतनी परेशानी दिखाने की क्या जरूरत है? मैं परेशान इस बात पे हो रही हूँ कि आंटी आपको कैसे पता चला? अरे किस बात का? कि हमने साबुन की फैक्ट्री लगा ली है। अच्छा ये सुगरा के साथ रह रहे की ना तुम्हें भी तंज करने की आदत पड़ गई है, यानी तुम मुझ पे तंज कर रही हो कि क्या हमने फैक्ट्री खोल रखी है साबुन की? नहीं सुमरानी, मैं बिल्कुल भी तंज नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच्ची कह रही हूँ, मैंने और शर्मीन ने ना साबुन की फैक्ट्री लगा ली है, और हमने अपना पहला एक्सपेरिमेंट करना था सोगरा आंटी पे, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई, वो अभी तक आई नहीं, और आप आ गई। अब देखे ना अल्लाह के कामों में किसको दखल है जी, तो अब आप ऐसा करें आप यहाँ रुके और मैं 2 सेकंड में स्पेशल वाला साबुन आपके लिए लेकर आती हूँ। 2 सेकंड वो अच्छा वाला ना? अच्छे वाला अभी लेकर आ, जल्दी जाइए, जल्दी जाओ। 2-3 Very nice, शाबाश। ये कहाँ लेके जा रही हो फरहाना? सुपर आंटी को चाहिए। मेरी बात सुनो, ये बिजनेस है। अच्छा तुमने वो सुना नहीं है, बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी, ये मुफ्त बांटने के लिए नहीं है। लेकिन जो मार्केट टेस्ट होता है ना वो मुफ्त ही होता है फरहाना। हेलो डॉक्टर साहबा। कौन? डॉक्टर साहबा मैं चंबेली हूँ। हाय चंबेली, क्या मैं डॉक्टर्स की तरह से हेलो करने लगी हूँ? आप डॉक्टर फराना नहीं हो? नहीं मैं डॉक्टर सुगरा बोल रही हूँ। ओहो आंटी सुगरा, आप तो बहुत मजाक करने लगी हैं। डॉक्टर फरहाना कहाँ है? वो गई है जरा वो साबुन की मार्केटिंग करने के लिए। ओ आंटी सुगरा प्लीज उन्हें रोकिए, वो साबुन अजाब है, बीमारी है। क्यों क्या हुआ? वो मुझे 2 साबुन देकर गई थी, कह रही थी कि ये जो अमीर मरीज है ना उनको बेच देना।
तो फिर तुमने बेच दिए क्या? नहीं, उससे पहले ही डॉक्टर हसन ने एक साबुन से अपना मुंह धोया है और अब उनके चेहरे से जगह जगह से खाल उतर रही है। क्या डॉक्टर हसन ने क्या उस साबुन को रेगमाल में लपेट कर अपने मुंह के ऊपर मला था? पता नहीं जी, मुझे लगता है फार्मूला खराब हो गया है, ये इंसानी गोश्त को गला देता है। ठीक है जी, मैं अब रखती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अब मैं भी देखती हूँ कि सुंबल किस तरह से ब्यूटी क्वीन बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, मैं शर्मीन की बीवी हूँ और ये मेरा बॉस है। जी मेरा मतलब है कि ये मेरी बीवी है। और आप तो शर्मीन के बॉस है ना? हाँ जी, मैं शर्मीन का बॉस हूँ, ये मेरी बेगम है। अच्छा अच्छा, तो आप आइए ना, बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। ये कौन है? ये शर्मीन की आंटी है, सुगरा आंटी। अच्छा, तो तुम इनको भी जानते हो? अरे मुझे कौन नहीं जानता, आपको नहीं पता मैं तो बहुत मशहूर हस्ती हूँ। तुम तो मुझे शर्मीन से मिलवाने लाए थे ना? वो शर्मीन जरा बाहर मार्केट गई हुई है। आप बैठिए ना, तशरीफ तो रखिए आप। उसने वैसे मुझे बताया ही नहीं कि आप लोगों ने आना है। देखा, शर्मीन ने बताया ही नहीं कि हम आ रहे हैं। वो भूल गई होगी ना। वो देखिए ना, वैसे बॉस साहब को तो वो रोजाना दफ्तर में मिलती है, तो रोजाना मिलने से थोड़ी सी कदर तो कम हो ही जाती है। देखा, रोज मिलती है, ये कदर है तुम्हारी? आप प्लीज बैठिए ना, तशरीफ तो रखिए। मैं आपके लिए बड़ी अच्छी गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। बैठिए 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 प्लीज। तुम तो कह रहे थे बड़ी खातिर होगी तुम्हारी, यहाँ तो सिर्फ चाय का पूछा जा रहा है, लगता है रोज आते हो तुम। अरे नहीं नहीं, मैं तो इनको शायद जिंदगी में दो या शायद तीन दफा मिली हूँ बस। अच्छा, लगता है तुम कहीं और भी मिलते हो। हाँ, वो ये रोजाना दफ्तर में मिलते हैं ना। मुझे तो लगता है ये औरत सब कुछ जानती है। देखिए आप इत्मीनान से बैठिए, मैं अभी गई और अभी आई आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब तुम्हें ये तो पता होगा कि बाथरूम कहाँ है। हाँ, वो इस तरफ जाकर। मुझे तो पहले ही शक था। अरे साबुन यहाँ रखा हुआ है, चलो खैर। शर्मीन, नहीं चाहिए ये। देखिए आपका चेहरा खुशहाल है। हाँ? ये क्या बकवास है फराना, हमारा बिजनेस ऐसे कैसे चलेगा? सुबह से हमने एक साबुन नहीं बेचा। मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम इसके ऊपर खूबसूरत सा प्यारा सा रैपिंग पेपर चढ़ा दें। ये तुम सही कह रही हो, क्योंकि हमारा साबुन जो है ना, वो दिखने में कपड़े धोने वाले साबुन से भी ज्यादा जो है वो बुरा लगता है। अगर हम उसके ऊपर रैपिंग पेपर चढ़ा देंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर रैपिंग पेपर हम चढ़ा भी दें, तब भी मैं ये साबुन अपने मुंह के ऊपर कभी ना लगाऊं, जानबूझ के तेजाब कौन मुंह पे मलता है। ज्यादा खराब ये ठीक नहीं कर रहे ना। हम लोगों ने अभी तक मार्केट टेस्ट भी नहीं किया अपने साबुन का, और हमने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है। डोंट वरी ना, नर्स मेरी ने अभी तक किसी ना किसी को हॉस्पिटल में चूना लगा दिया होगा, उसका बस फोन आता ही होगा। पर फोन आएगा कैसे, मैं तो अपना फोन घर पे ही भूला ही। ओ गॉड, फरहाना तुम देखो नहीं है ना मेरे पास भी, अब क्या करें? घर चलते हैं, चलो घर चलो। हाँ सुगरा, मैं हसीन हो गई। अल्लाह देखो देखो मैं कितनी हसीन हो गई। कोई है हमसा तो सामने आए ना। क्यों पर लगा दिया है, ये क्या जादू है? अब बोलो, ये मुकाबला है हुस्न, कौन जीतेगा? वो तो बिना मुकाबला वो तो तुम ही जीत जाओगी, मगर मुझे ये बताओ ये सब कुछ हुआ कैसे? घंटा भर पहले तुम्हारे घर से मैं वो बदशकल सा वो अजीब सा साबुन लेके गई थी, उसने मेरी लाइफ बदल दिया। केबल वाला, दूध वाला, मेरा बावर्ची सामने वाला, गार्ड अखबार वाला, अरे सब मेरा हुस्न का शिकार होकर गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अब छोटा तुम खुद सोचो कि जब मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होगी, ज्वेलरी पहन के लिबर्टी मार्केट गई, तो कितनी कैजुअलिटीज होंगी।
ये कैसे हो सकता है? चमेली तो कह रही थी कि वो साबुन, अरे अरे वो साबुन तो आठवां अजूबा है, उससे तो मेरी लाइफ बदल दी। इट्स लाइफ मेकर, यू नो, इट्स लाइफ, इट्स वंडरफुल। लेकिन चमेली तो कह रही थी कि ये कैसे हो सकता है? चमेली झूठी है, सुंबल सच्ची है, लेकिन सुंबल सच्ची नहीं हो सकती। और चमेली झूठ क्यों बोलेगी? चमेली झूठी है, सुंबल सच्ची है, लेकिन क्यों? सुब्रांडी, क्या हुआ है आपको? क्या बोले जा रही हैं? वो पता क्या हो रहा ना, वो चमेली का फोन आया था और वो कह रही थी कि डॉक्टर हसन ने वो साबुन अपने मुंह के ऊपर लगाया है और सारी की सारी खाल जो है वो गल के हाथों में आ गई है। क्या? नहीं हो सकता, तुम्हें पता है अब तो डॉक्टर हसन का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। नहीं, ओह चुप करो ना फराना, क्या बोलती जा रही हो? आप क्या कह रही, चमेली को क्या हुआ? नहीं, वो सुंबल आंटी को क्या हुआ? हाँ, और सुंबल जो है ना, वो तो सुंबल आंटी को भी तो दिया था मैंने एक साबुन। उनका मुंह में? नहीं नहीं नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो तो अभी यहाँ आई थी, ऐसी लहराती हुई आई, और वो इतनी हसीन लग रही थी, जवान लग रही थी, परियों जैसा चेहरा हुआ हुआ था उसका। यानी कि आपके कहने का मतलब कि हमारा बनाया हुआ जो साबुन है वो दो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर दो मुख्तलिफ किस्म के असरात करता है? मुझे पता है, मुझे पता है क्या हुआ है। क्या? नर्स चमेली है ना, ये ना बहुत चालाक औरत है, इसकी किसी बात पर ना किसी को भी यकीन नहीं करना चाहिए। हुआ ये होगा कि नर्स चमेली ने खुद वो साबुन यूज किया होगा और खुद बन गई होगी हसीन, और ताकि हम वो साबुन यूज करके मजीद हसीन ना बन सके ना, हमें वो डरा रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये साबुन वाकई दुनिया का आठवां अजूबा है और उसको इस्तेमाल करके हम लोग, यानी मैं भी हसीन तरीन औरत बन जाऊंगी। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाँ जी, पहले तो मेरा चेहरा दूध और मलाई की तरह हो गया। हाँ जी, ये साबुन मुझे वो एक दो तीन वालों ने दिया, बल्कि साबुन के ऊपर लिखा हुआ है 1-2-3 मार्का। ये तो मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। हाँ जी, आपको बता तो रही हूँ कि जब मैंने साबुन इस्तेमाल किया तो मेरा दूध की तरह चेहरा खिल उठा, और अब उसके बाद तो मेरा चेहरा और उसकी जिल्द अध जले आलू के पराठे जैसी हो गई, और जलन हो रही है, मेरी स्किन नीचे उतर रही है। हाँ जी। अरे लड़कियों, कुछ सुना तुमने? सुंबल ने पुलिस को फोन कर दिया है और वो हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। ये तुम्हें क्या हुआ? चमेली बिल्कुल सही कह रही थी कि इस साबुन से मुंह धोने के बाद सारी की सारी खाल गलना शुरू हो जाती है, उतरना शुरू हो जाती है। मैं सुबह ऑफिस किस मुंह से जाऊंगी, मुझे बताएं। ओ दफ्तर को छोड़ो, ये सोचो कि पुलिस को क्या कहना है, उनके सामने कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। अभी थाने से फोन आया है कि सेल्स एक्ट के तहत नुकसानदेह मसनूआत बेचने पर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के डर से आपकी उर्दू कितनी अच्छी हो गई है। चुप करो तुम, ये सोचो कि पुलिस से किस जबान में बात करेंगे। आप इतना घबरा क्यों गए सर? आप इस वक्त, तुम इसे वक्त देखकर मिलते हो? बेगम, जिस काम तुम आई हो वो करो ना। वो आपके घर में एक साबुन इस्तेमाल किया था हमने। चलो देखो, इन्होंने वो साबुन इस्तेमाल किया, इनको कुछ नहीं हुआ है। आपकी आंखें खराब है? अरे हम तो एकदम से हसीन हो गए हैं, आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। नहीं नहीं, आपको नहीं पता, पहले इंसान हसीन होता है और उसके बाद आपकी खाल उतरना शुरू हो जाती है, जैसे इनकी हुई है। दिखाओ ना, दिखाओ। अरे नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है,
और अगर ऐसा हो जाए तो फिर से उसी साबुन से मुंह धो लीजिए, चेहरा एक बार फिर ऐसा ही दिलकश हो जाएगा। आप सच कह रही हैं? मैं तुम्हारे बॉस की तरह झूठी नहीं हूँ। नहीं, वो पुलिस के डर से मैंने सारा का सारा सबूत मिटाना चाहा तो मैंने वो सारा जो साबुन था ना वो फ्लश में बहा दिया। क्या? ओह, लेकिन वो रेसिपी पड़ी हुई है जिससे हम साबुन की सारी टिक्कियां दोबारा से बना लेंगे। सीन हो जाएगी। यस। नहीं, वो रेसिपी भी नहीं है अब। वो मैंने कहा कि सारा जो सबूत है ना कि हमने ये साबुन बनाया था कभी, तो इस वजह से मैंने उसको रेसिपी को भी फाड़ फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर उसको आग लगा दी। सुरा!